सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप सारे बड़े होंगे। आज की वीडियो शुरू हो रही है कुछ इस तरह की जगह से, देख सकते हो ये खड़ी अपनी बाइक और सामने देखो भाई एक छोटा सा झरना है। नज़दीक चल के दिखाता हूँ गाइस, ये चेक करो भाई, बिल्कुल साफ पानी है ये, बिल्कुल साफ पीने वाला। ऊपर से आ रहा है और कितना प्यारा लग रहा है। सो चलो अभी चलते हैं इधर से, और ये खड़ा अपना ड्रैगन। सो गाइस, इसमें एक दिक्कत आ रही है, वो दिखाता हूँ अभी आपको मैं। सो इसका ये जो मेन स्टैंड होता है ना, मेन स्टैंड इसको देखना, जहाँ पे रुकूँगा ना वहीं पे रुक जाएगा ये। ये देखो यहाँ पे लगा दी मैं, यहीं पे जाम हो चुका अभी ये। सो इसको ऊपर करने के लिए हाथ से करना पड़ रहा है, पैर से। सो ये भी दिखाना पड़ेगा मुझे, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई इसमें। सो चलो अभी टाइम हो चुका है 11:32, और अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा ऑफ रोडिंग करने के लिए। आई होप बारिश ना लगे आज। सो लेट्स गो गाइस। सो गाइस, मौसम तो एकदम काफ़ी बढ़िया हो चुका है। ओ भाई ये क्या है देखो, पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो गया। चलो पेट्रोल डलवाते पहले। गाइस पेट्रोल डलवा लिया अभी। सो चलो अभी चलते हैं। सो गाइस ज़्यादा फास्ट नहीं चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। सो गाइस इधर लग चुका है जाम, पता नहीं क्या हो चुका है, आगे देखना पड़ेगा भाई, कुछ तो हुआ है। ओ गाइस पेड़ टूट चुका है यहाँ पे पूरा, देख रहे हो। और इतना बड़ा पेड़ टूट चुका है। और बिजली की तारें भी नीचे आ चुकी है सारी, और जाम देखो। सो गाइस आगे जो व्यू आने वाला है वो व्यू देखो, पूरा धर्मशाला दिखाई देता है। वो सामने रहा स्टेडियम धर्मशाला का, जहाँ पे क्रिकेट वगैरह का मैच होते हैं वो सामने। और ये देखो भाई धुंध पड़ी है, बट आज इतना अच्छे से तो नहीं दिखाई देगा आज, क्योंकि आज बादल वगैरह से कवर हो रखा है पूरा। वैसे व्यू बहुत अच्छा है इधर का, सेल्फी पॉइंट नाम से जगह का नाम रखा है इन्होंने, सेल्फी पॉइंट कहते हैं जगह को। ये जो मोड़ है ना, कैंची मोड़ भी बोलते हैं और सेल्फी पॉइंट भी बोलते हैं इसको। सो गाइस हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है अभी थोड़ी। ये क्रेन कल से ख़राब पड़ी है इधर, अभी तक रिपेयर नहीं की इन्होंने, ऐसे खड़ी है गाइस इधर, पूरा रोड ब्लॉक करके रखा है एक साइड का। सो गाइस आई होप आपको मेरी वॉइस जो है अच्छी आ रही होगी, क्योंकि मैंने माइक जो है थोड़ा लग लोकेशन पे फिट किया है हेलमेट के अंदर। सो अभी वॉइस मेरी क्लियर आ रही होगी। भाई अभी ठंड लग रही है कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि बारिश ही हो रही है दो तीन दिन से, तो भाई ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है इधर। इधर सर्दियाँ जो हैं बहुत ही जल्दी आ जाती हैं भाई। देखो एंटोर को एग्जॉस्ट लगवाया इसने, एक्रा वो भी कबो भी, क्या साउंड आ रही है। और लोगों को मैं सुनाता हूँ आपको, सुनो। सो गाइस अभी जाना है हमारे राइट साइड, आंटी क्या कर रहे हो, बच्चे बिठाए हुए आंटी ने, और फिर भी देखो यार बारिश लग पड़ी फिर से, आज फिर से राइड कैंसिल करनी पड़ेगी मुझे लगता है। सो गाइस बारिश तो बंद होगी नहीं, ऊपर जाने का फ़ायदा नहीं अभी कुछ भी, ऊपर तो इससे ज़्यादा लगी होगी बारिश, क्योंकि वो हाइट पे जगह। अभी दूसरी जगह लेके चलता हूँ आपको। सो गाइस हर बार ही ऐसा होता है यार, पिछली बार भी जा रहा था तब भी बारिश लग पड़ी थी, इस बार भी देखो। चलो कोई बात नहीं, दूसरी जगह चलते हैं। सो गाइस ये देखो इधर कोई बारिश नहीं, और यही सीन होता है इधर, हर 4-5 किलोमीटर के बाद आपको बारिश देखने को मिल जाएगी हाइट वाले एरिया में। देखो इधर कोई बारिश नहीं लगी है। तो ये देखो गाइस इधर से भी पूरा नीचे आ चुका है, रोज बारिश होती है गाइस इधर रोज़।
दिन में नहीं होगी, रात को हो जाएगी, रात को नहीं होगी दिन में हो जाएगी भाई। कई तो तीन तीन चार चार दिन लगी रहती है। सो गाइस इधर का मौसम देख रहे हो, इधर तो बादल ही नीचे आ चुके सारे के सारे। ये देखो ऊपर। अभी मुझे रास्ते का पता नहीं है, सो मुझे मैप पे देखना पड़ेगा कहाँ से जाना है। इधर से जाना अभी हमने सीधे। देखो भाई पूरा सर्दियों वाला मौसम फील हो रहा ना। सुबह इधर भी दो रास्ते हैं, एक तो बंद है। तो भाई सिर्फ सर्दियों वाला मौसम ही नहीं है, हल्की हल्की बारिश लगी हुई है। देखो धुंध पड़ी है, हल्की हल्की बारिश। बहुत प्यारा मौसम है यार, बहुत प्यारा। और साथ में ट्रैफिक भी है। सो भाई सिर्फ इसे दो रास्ते गए, ये वाला रास्ता चले गए भागसूनाथ टेंपल और वाटरफॉल की तरफ। हमने जाना इस रास्ते पे। ये रहा अपना मैकलोडगंज और कुछ अलग तरह की जगह यार ये। बहुत सारे टूरिस्ट आए गाइस इस बार, देखो ये सारे टूरिस्ट हैं, कोई भी इधर से नहीं है। नेपाल, यूएसए के भी होंगे। सो गाइस कुछ इस तरह की जगह पे अभी हम देख सकते हो, ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है, धुंध पड़ी हुई है और हल्की हल्की बारिश लग पड़ी है इधर भी। तो अभी जिस जगह पे मैं जाना चाहता हूँ वो मुझे मिल नहीं रही है, और जहाँ पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ वहाँ जा रहा हूँ। सो ये वाला रोड जा रहा है डल लेक की तरफ। सो ये मैंने आपको पहले भी दिखाया वीडियो में। सो गाइस डल लेक ही देख लो फिर से एक बार, पिछली बार तो नहीं दिखा पाया था, धुंध वगैरह पड़ी हुई थी। तो ये देख लो, ये रहा अपना डल लेक। सो आज कोई धुंध नहीं है इधर। आदमी बड़ी धुंध इधर, पिछले टाइम जब आए थे बहुत सारी धुंध थी इधर। भाई बाइक की हालत। गाइस कुछ इस तरह की जगह है। गाइस कुछ इस तरह की जगह है, काफ़ी प्यारा मौसम हो चुका है अभी, देख सकते हो। जाना तो किसी और जगह पे था बट वो जगह मिली नहीं। सो जाने का मन नहीं कर रहा इधर से, बट क्या करें, जाना पड़ेगा। सो एक बार व्यू देखो भाई क्या लग रहा है यार, अपना ड्रैगन भी और व्यू भी। सो इस जगह का नाम है डल लेक, ये पूरा पानी से भरा है, मछलियाँ वगैरह भी है इसमें। सो गाइस लेट्स गो, चलो चलते अभी इधर से। भाई क्या ही प्यारी जगह है यार। चलते हैं वापस इधर से। सो ये था अपना डल लेक का कुछ व्यू, और आई होप आपको पसंद आया होगा। जब हम पिछली बार आए थे इधर, सो इधर धुंध वगैरह पड़ी हुई थी, तो इतना अच्छे से क्लियर से आपको नहीं दिखा पाया था। सो आज मैं जा रहा था कहीं और जगह पे, बट चलो उस जगह पे तो नहीं पहुंच पाया जहाँ पे मैं जाना चाहता था। सो गाइस चलो आज आपको मैंने ये जगह दिखा दी, आई होप आपको पसंद आई होगी। सो चलो अभी चलते वापस नीचे। तो अभी बारिश वगैरह भी बंद हो चुकी है इधर, और पहले लगी हुई थी, तो अभी मैं भीग चुका हूँ यार, मेरी शर्ट पूरी भीग चुकी है, तो अभी ठंड लग रही है। सो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं मिलिट्री एरिया में, देख सकते हो सामने मुझे, और ये पूरा मिलिट्री एरिया है।
सो गाइस इधर ऊपर आने के लिए तीन रास्ते हैं नीचे से। एक रास्ता जो है वो बंद है, उसका काम चला हुआ है, बाकी दो रास्ते खुले हैं। एक रास्ता जहाँ से मैं आया और एक ये वाला रास्ता जहाँ से मैं अभी वापस जा रहा हूँ। सो ये तीन रास्ते एक ही जगह पर मिलते हैं जाके नीचे। सो गाइस इधर भी सारा रास्ता टूट चुका है, ये देखो पूरा रास्ता बैठ गया है, बैठ के गया टूट ही गया है। वो देखो सारी रेलिंग्स वगैरह भी सब कुछ बहुत बुरी हालत हो गई यार रास्ते की। ये देखो इधर भी, इसे थोड़ी आगे जाके ये देखो, ओ भाई साहब यही तो सीन होता है पहाड़ों का, लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती है और सड़क वगैरह इतनी कामयाब नहीं हो पाती। और ये देखो भाई साहब इसकी वजह से टूटा रास्ता। ओहो भाई ये तो पूरा निकल गया यार नीचे एक तरफ का, बहुत रिस्की है यार ये। सो गाइस ये देखो भाई बुरी हालत हो चुकी है भाई इधर, ये भी जाने वाला है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं नीचे वापस और बस यही था कुछ आज के वीडियो में, यह वाली जगह दिखा दी आपको, जिस जगह पे मैं जाना था वो मिली नहीं, अगली बार चलेंगे। और ये देखो मौसम कितना प्यारा हो रखा है। सो गाइस इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय गाइस।